इस डबल इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर ई साइन एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। अच्छा ई क्या है, ई इज द रीजन बाउंडेड बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, तो ये पॉइंट होगा 1,0 एंड ये पॉइंट 0,1, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आपको एक्स का क्या वैल्यू मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू होगा 1 माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स एंड ये जो लाइन है वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू है 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर एक्स इक्वल्स टू कहाँ तक है, 1 माइनस वाई तक, तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई तक, एंड y इक्वल्स टू 0 है ये जो लाइन है x एक्सिस पे y इक्वल्स टू है 0, यहाँ पे है y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 से लेकर यहाँ पे है y इक्वल्स टू 1 तक, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x का लिमिट है 0 टू 1 माइनस वाई एंड y का लिमिट है 0 टू 1, ठीक है। अच्छा तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना होगा, देखो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू यू पुट करेंगे, ठीक है, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू भी पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो अगर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन u बाई भी। अच्छा आप देखते हैं इसके बाद देखेंगे लिमिट क्या होगा, लिमिट u का लिमिट क्या होगा एंड v का लिमिट क्या होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा डी यू डी भी इंटू मॉड्यूलस ऑफ द जेकोबियन। अच्छा जेकोबियन क्या होगा, जेकोबियन इक्वल्स टू डेल एक्स डेल भी, सो डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल भी मीन्स ओल्ड वेरिएबल बाई न्यू वेरिएबल, ओल्ड वेरिएबल बाई न्यू वेरिएबल, डेल वाई डेल यू एंड डेल वाई डेल भी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम x एंड y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू मिलेगा u प्लस भी, तो 2x इक्वल्स टू u प्लस भी, तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू u प्लस भी बाई टू, सॉरी u प्लस भी बाई टू, ठीक है, x इक्वल्स टू यू प्लस बी बाई टू, एंड यहाँ से आपको y का वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा u माइनस भी बाई टू, ठीक है। अच्छा अब देखो डेल x डेल u करोगे तो आपको मिलेगा डेल x डेल u होगा हाफ, डेल x डेल v करोगे तब भी होगा हाफ, डेल y डेल u करोगे होगा हाफ, डेल y डेल v करोगे तो होगा माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मीन्स हाफ इंटू हाफ मीन्स माइनस वन बाई फोर, माइनस हाफ इंटू हाफ होगा वन बाई फोर, तो दिस इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब मॉड्यूलस ऑफ जे करोगे तो होगा हाफ, तो हाफ इंटू डेल यू डेल भी। अच्छा अब देखते हैं यू का लिमिट क्या होगा, भी का लिमिट क्या होगा। देखो एक्स का रेंज क्या दिया गया है, जीरो टू वाई, तो एक्स लेस देन वन माइनस वाई एंड ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो, ठीक है, एंड एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू है यू प्लस भी बाई टू, इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन फ्रॉम वन माइनस वाई, वाई क्या है, वाई इक्वल्स टू है यू माइनस भी बाई टू, ठीक है। अच्छा अब इसे सॉल्व करो, एक काम करते हैं बोथ साइड पे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो लेस देन यू प्लस भी लेस देन टू माइनस यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ करो तो क्या होगा, माइनस भी होगा लेस देन फ्रॉम यू, एंड इन दोनों को एक साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू प्लस यू होगा टू यू, टू यू लेस देन टू, दैट मीन्स यू लेस देन वन, ठीक है। अच्छा अब क्या देख करना है, देखो अब y का लिमिट, देखो y है जीरो लेस देन y लेस देन वन,
दिस इंप्लाइज जीरो लेस देन वाई, वाई का वैल्यू क्या है यू माइनस वी बाई टू लेस देन वन। अब बोथ साइड पे टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा जीरो लेस देन यू माइनस वी लेस देन टू। ओके अच्छा तो अब इन दोनों को एक साथ करो तो क्या होगा वी लेस देन यू, एंड इन दोनों को एक साथ करोगे तो क्या होगा यू माइनस वी लेस देन टू, दैट मीन्स यू बाई टू माइनस वी बाई टू लेस देन वन। ठीक है अच्छा अच्छा अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे माइनस वी इक्वल्स टू यू, यू इक्वल्स टू वी, यू इक्वल्स टू वन, यू बाई टू प्लस वी, यू बाई टू माइनस वी बाई टू इक्वल्स टू वन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन सभी को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है अच्छा तो आप देखो यू इक्वल्स टू वी, यू इक्वल्स टू वी ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है एंड यहाँ पे क्या दिया गया है वी लेस देन फ्रॉम वाई यू, ठीक है मीन्स यू इज ग्रेटर देन फ्रॉम वी। तो एक काम करते हैं यहाँ पे इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई नहीं होगा यू भी होगा। अच्छा तो यू भी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं हम, मान लो 1.0, ठीक है 1.0 यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है वो है 1.0 पॉइंट। तो जब आप यहाँ पे यू इक्वल्स टू भी, यहाँ पे आप 1.0 मतलब u इक्वल्स टू वन एंड v इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा वन, सॉरी जीरो लेस देन वन, ये ट्रू है जीरो लेस देन फ्रॉम वन। ठीक है जीरो इज लेस देन फ्रॉम वन ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता है ये पॉइंट 1.0 ये जो पॉइंट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है अच्छा अब देखते हैं यू इक्वल्स टू माइनस बी, यू इक्वल्स टू माइनस बी यहाँ पे है तो सेम पॉइंट 1.0 यहाँ पे रखो तो क्या होगा वन लेस देन फ्रॉम माइनस जीरो मीन्स जीरो। ठीक है वन लेस देन फ्रॉम, सॉरी जीरो लेस देन फ्रॉम वन ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ होगा। ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है u इक्वल्स टू वन, u इक्वल्स टू वन यहाँ पे दिया गया है u लेस देन वन, तो एक काम करते हैं हम 0.0 इस पॉइंट को लेते हैं 0.0 तो यहाँ पे u इक्वल्स टू जीरो रखो तो क्या होगा जीरो लेस देन वन, हाँ ये ट्रू है, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ होगा। ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है u माइनस वी इक्वल्स टू टू, u माइनस वी लेस देन टू हमें दिया गया है। ठीक है तो आप यहाँ पे पॉइंट ले लो ओरिजिन ले लो 0.0 यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा जीरो लेस देन ट्रू, सॉरी जीरो लेस देन टू, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन 0.0 पॉइंट की तरफ होगा। ठीक है अच्छा अब देखते हैं बाउंडेड रीजन क्या है, यहाँ पे ये है एंड ये इसका डायरेक्शन है इस तरफ एंड इसका डायरेक्शन है इस तरफ, तो बाउंडेड रीजन होगा ये। ठीक है अच्छा अब देखो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, तो इसका इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0.0 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे u इक्वल्स टू वन है, तो भी क्या होगा u की जगह वन रख दो तो भी मिल जाएगा वन। ठीक है एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे u है वन, भी क्या होगा u की जगह वन रखो तो वन इक्वल्स टू होगा माइनस भी, तो भी इक्वल्स टू होगा माइनस वन। ठीक है अच्छा तो अब क्या देखना है, हाँ तो यहाँ से हमें u एंड v का लिमिट मिल जाएगा, तो u इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, u इक्वल्स टू यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन तक। ठीक है तो यहाँ पे u इक्वल्स टू क्या है v एंड यहाँ पे u इक्वल्स टू है वन। ठीक है एंड भी कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ पे भी क्या है जीरो है स्ट्रेट लाइन पे, यू एक्सिस पे भी है जीरो, जीरो टू यहाँ पे भी है वन। ठीक है तो ये अगर आई वन है एंड ये है आई टू, तो आई वन इक्वल्स टू दिस एंड आई टू क्या होगा डबल इंटीग्रल साइन यू बाई भी हाफ
डी यू डी भी। अच्छा प्लस होगा आई वन प्लस आई टू करोगे तो पूरा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अच्छा तो यू क्या है, यू इक्वल्स टू यू का लिमिट यहाँ पे क्या होगा, भी का लिमिट क्या होगा, यू स्ट्रेट लाइन से, यू स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन तक, स्ट्रेट लाइन पे यू क्या है, यू इक्वल्स टू है माइनस भी, ठीक है। एंड यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे यू है वन, एंड भी कहाँ से कहाँ तक है, भी है यहाँ से यहाँ तक, भी यहाँ पे क्या है माइनस वन, एंड यू एक्सिस पे भी क्या है जीरो है, ठीक है। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, हाफ को आप बाहर ले लो, हाफ को आप बाहर ले लो, एंड यू भी का लिमिट है जीरो टू वन, एंड यू है, यू क्या है, यू इक्वल्स टू है भी टू वन साइन यू बाई भी डी यू डी भी, ठीक है। अच्छा तो प्लस, प्लस क्या दिया गया है, प्लस हाँ दिस हाफ को बाहर ले लो, भी इक्वल्स टू है माइनस वन टू जीरो, यू इक्वल्स टू है माइनस भी टू वन साइन यू बाई भी डी यू डी भी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, हाफ इन टू, अब साइन यू इसे इंटीग्रेट करो, साइन यू बाई भी, साइन को करोगे तो होगा माइनस कॉस यू बाई भी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा तो कांस्टेंट है तो देखो, आप साइन ए एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स बाई होता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस साइन माइनस कॉस यू बाई भी बाई होगा क्या, वन बाई भी, ठीक है। एंड यू का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस भी टू वन, एंड इंटीग्रल भी का लिमिट है माइनस वन टू, सॉरी ये नहीं, यू का लिमिट है भी टू वन, भी टू वन, एंड भी का लिमिट है जीरो टू वन, ओके डी भी, ठीक है। अच्छा प्लस अब इसे देखते हैं तो हाफ इन टू, भी का लिमिट है माइनस वन टू जीरो, एंड इसे साइन यू बाई भी को इंटीग्रेट करोगे तो होगा कॉस यू बाई भी, आगे एक माइनस होगा, माइनस कॉस यू बाई भी बाई होगा वन बाई भी, ओके। अच्छा तो यू का लिमिट है माइनस भी टू वन, माइनस भी टू वन, एंड डी भी। अच्छा तो आप क्या करना है, अब यू का लिमिट पुट करना है तो हाफ इन टू, भी का लिमिट जीरो टू वन, एंड वन बाई भी मीन्स भी इन टू, अच्छा माइनस को आगे ले लेते हैं माइनस, एंड अब लिमिट पुट करो तो क्या होगा, कॉस कॉस यू, यू का अपर लिमिट क्या है वन, तो वन बाई भी माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, कॉस भी बाई भी मीन्स वन, ठीक है। अच्छा एंड इसके बाद प्लस हाफ प्लस, अच्छा यहाँ पे आगे एक माइनस है, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हाफ इंटीग्रल माइनस वन टू जीरो, एंड ये हो जाएगा भी इंटू कॉस, अपर लिमिट पुट करो तो होगा वन बाई भी, एंड इसके बाद क्या है माइनस कॉस माइनस भी बाई भी मीन्स कॉस होगा माइनस वन, कॉस माइनस वन एंड कॉस वन दोनों सेम ही है, ठीक है डी भी। अच्छा यहाँ पे एक डी भी है क्योंकि कॉस माइनस वन इक्वल्स टू क्या है कॉस वन, ठीक है ना, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। अच्छा तो इसके बाद अच्छा इसके बाद क्या करोगे, एक काम कर सकते हो आप, इसे इंटीग्रेट कर सकते हो एंड इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का ना ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए मैं भी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी भी इक्वल्स टू मिलेगा माइनस डी डब्ल्यू, ओके। अच्छा अब लिमिट क्या है, लिमिट है भी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है माइनस वन टू जीरो, तो डब्ल्यू क्या होगा,
जब v इक्वल्स टू माइनस वन होगा तब w इक्वल्स टू होगा वन, जब v इक्वल्स टू जीरो तब w इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा एंड तो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, वन टू जीरो, ओके। एंड v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू है माइनस w, एंड दिस इक्वल्स टू कॉस वन बाई माइनस w, मीन्स w ही हो जाएगा क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, माइनस cos वन जैसा है वैसा ही होगा। अच्छा इसके बाद dv, dv क्या है, माइनस dw, अच्छा माइनस को आप आगे ले लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस इंटीग्रेशन का लिमिट जो है इसे आप चेंज करोगे, मतलब जीरो वन टू जीरो को जीरो टू वन करोगे, तो क्या होगा, आगे एक माइनस आएगा, ये जो माइनस है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो माइनस है उसके साथ माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स अच्छा ये जो माइनस है माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद अगर आप इंटीग्रेशन को चेंज करोगे, लिमिट को चेंज करोगे, तो आगे एक माइनस आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है कॉस वन बाई डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू को जो डब्ल्यू जो है इसे मैं चेंज कर देता हूँ, भी में चेंज कर देता हूँ, डी भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब तो इसे चेंज करके आप इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आगे एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ इंटू इंटीग्रल जीरो टू वन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक डब्ल्यू था, ठीक है, डब्ल्यू को मैंने भी लिख दिया, ठीक है। तो भी देखो डेफिनेट इंटीग्रल में आप ऐसे डब्ल्यू को भी, भी को एक्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वन बाई भी माइनस कॉस वन डी भी। अच्छा एक चीज़ देखो, मान लो कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स को चेंज कर सकते हो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई डी वाई, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने डब्ल्यू को भी में चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे एंड ये क्या था, यहाँ पे यह था, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस हाफ इंटीग्रल जीरो टू वन भी इंटू कॉस वन बाई भी माइनस कॉस वन डी भी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से अगर आप हाफ को कॉमन लेते हो, हाफ को हमने कॉमन लिया, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन जीरो टू वन, जीरो टू वन, अच्छा अब देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो माइनस भी इंटू कॉस वन बाई भी, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस वन, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये भी इंटू कॉस वन बाई भी प्लस भी इंटू कॉस वन बाई भी, यहाँ से हमने हाफ को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा माइनस माइनस कॉस वन, कॉस वन डी भी, ठीक है। तो देखो प्लस कॉस वन माइनस कॉस वन कैंसिल, माइनस भी कॉस वन बाई भी प्लस भी कॉस वन बाई भी कैंसिल, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू जीरो, ओके। अच्छा हमें जो ये इंटीग्रेशन दिया गया था इसका आंसर होगा जीरो, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई की जगह एक्स प्लस वाई होता तब क्या होता, तब भी आंसर होता जीरो, ये आप खुद चेक करके देख लेना।